दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटर्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग एडेनियम से संबंधित विभिन्न वीडियो आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। पहला हमने जो वीडियो बनाया था वो स्लाइड शो था, जिसमें हम लोगों ने आपको सीड लगाने का जो तरीका और जो मीडिया बनाने का तरीका था वो आपको हमने बताया था। अभी हम आपको दिखाते हैं, हमने जो बीज लगाए थे वो लगाए थे 16 जुलाई को इसी महीने की, और आज 31 जुलाई हो गई है। अब आपको मैं कुछ दिखाना चाहूँगा कि जिसके अंदर सीड पॉड किस तरीके से ग्रो हुए हैं, सीड में क्या कुछ बीज हैं जो अभी भी प्रोसेस में हैं उगने में, और कुछ बीज हैं जो अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें मायने रख जाती हैं, जैसे सीड की क्वालिटी कैसी है। सीड अगर पूरी तरह बना हुआ और स्वस्थ बीज है तो वो उतनी जल्दी उग जाता है और उतनी जल्दी जो है उसके उगने में सहायता भी होती है। अब हम आपको दिखाते हैं, जैसे मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने दो तरीके के बीज लगाए थे मेनली। एक तो लगाया था मैंने वेरिकेटेड, जो लगभग 6 महीने पुराने थे। एक हमको भी उसका जर्मिनेशन टेस्ट करना था, इसलिए वो लगाए थे हमने। और दूसरा जो लगाया था वो लगाया था, एक फली आई थी मेरे एडेनियम में जो मैं नया लाया था, उसमें लगभग 1 फिट की फली थी, जिसका मैं वीडियो के अंत के अंदर आपको उसकी फ़ोटो मैं अटैच करूँगा, जो आपको अंदाज़ा लग जाए कि ये किस तरीके की क्या फली थी और किस तरीके का पौधा था। अभी मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाऊंगा कि सीड किस तरीके से ग्रो हुए हैं और इसमें ग्रोथ कितनी है। ये लगभग आप देखिए, इधर जो है ये 1 इंच से ऊपर है, ये 1.5 इंच के करीब है। कुछ जो है बीज आप पास से दिखाइए थोड़ा सा, ये अभी भी निकल रहे हैं, लगभग 15 दिन हुए हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है सीडलिंग्स में। ये देखिए, ये तो 1 फुट वाली फली जो एडेनियम का पौधा था उसके हैं, ये भी उसी के हैं। और ये जो पीछे हैं, ये मेरे पास वेरिगेटेड एडेनियम है जिसमें फली आई थी, गुलाबी फूल उसमें आते हैं, उसके ये सीडलिंग हैं सब। ये देखिए 1, 2, 3 और एक ये चौथा अभी निकल रहा है बाहर। आपने जैसा देखा कि अभी ये अच्छे ग्रो हो गए हैं 15 दिन में, काफ़ी अच्छे। एक तो क्या मौसम ऐसा है अभी जुलाई में, हाई ह्यूमिडिटी होने से भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है इसकी ग्रोथ के ऊपर, सीडलिंग्स पे। बहुत तेज़ गर्मी होती है, बहुत तेज़ ठंड होती है, उसमें आप लोग ग्रो ना करें। हाई ह्यूमिडिटी होए, टेम्परेचर अप्रॉक्स 35 डिग्री तक होए, तो उसमें आपकी अच्छी ग्रोथ आती है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था इसी का ही, जिसमें मैंने इन सीड्स को ग्रो किया था। उसमें मैंने मीडिया किस तरीके का यूज़ लिया, जो पार्ट 1 है इसी का ही, उसके अंदर आपको पूरा विस्तार से मैंने बताया था कि मीडिया किस तरीके से बनाए, उसके अंदर क्या कुछ आपको ऐड करना है, वो सभी जानकारी आप पहले मेरा जो वीडियो है इसी का पहला भाग, उसमें आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।